तो अभी ये हमें लगाना है पीस, तो इसमें क्या नाम है, किलो पेज की जरूरत नहीं है, कील लगती है वैसे, कील लगती है। हाँ, अब पॉलीफिक्स के इस्तेमाल से क्या ना, आपको कील की जरूरत नहीं है, मल्टीपर्पज़ है सर। अभी और चीज़ों में तो इस पर बाद में करते हैं, लकड़ी से लकड़ी का काम पे हमें इस पर पहले करना पड़ेगा। बस ये अच्छा लगा कि मास्किंग टेप। जी जी, अभी देखिए सर, इसमें एक लकड़ी के लिए अलग चीज़ चाहिए। लकड़ी के लिए हम क्या करेंगे, वन साइड ग्लू, वन साइड स्प्रे कर देंगे, बाकी चीज़ों में स्प्रे बाद में करते हैं हम। लेकिन लकड़ी की एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे कि वन साइड ग्लू यूज़ करेंगे, वन साइड स्प्रे कर देंगे। और हमने ये पीस इस पर रख दिया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और फिर दोबारा हम इस पर स्प्रे कर देंगे साइडों में। तो अगर देखें किलो पेज की ज़रूरत नहीं है, जैसे मॉडल किचन बनते हैं अब उसमें इतना महंगा बोर्ड लगता है, पीवीसी बोर्ड, डब्ल्यूबीसी बोर्ड लगता है। सर चेक कीजिएगा, बहुत ये सारे पीस में पॉलीविक्स का यूज़ किया गया, पॉलीविक्स ग्लू और स्प्रे का। हथौड़े से ही निकलेगा, निकलेगा लिए लकड़ी को लेके आएगा ये, ये लकड़ी भी उतर लकड़ी के, हाँ लकड़ी पार्टिकल लेके आएगा ये, जो नहीं हटेगा ये, कील की जरूरत नहीं, नहीं कील की जरूरत नहीं सर, फिनिशिंग वाला काम हो गया। देखा सर नई नई टेक्नोलॉजी है भाई, सिर्फ कुछ ये है, एक ये ग्लू लगाया था और ये स्प्रे है सर, और ये स्प्रे कर दिया और इतना मजबूत हो गया, ये बिगर हथौड़े के नहीं निकल सकता और किलो की जरूरत। और सर ये किट हमारा ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है, जैसे आपकी गाड़ी का बम्पर क्रैक हो जाए, इंडिकेटर टूट जाए गाड़ी का, पानी टंकी लीक हो जाए सिंगल सिंटेक्स की, ये ग्लू लगा के स्प्रे मारना है। तो स्मॉल किट बनाया हमने ये, अभी मैंने ये इसमें लीकेज किया था, ये इतना मजबूत हो गया।